तो खबर आ रही है लिट्टी पाड़ा से। आपको बता दें कि 2 माह से राशन ना मिलने पर कार्ड धारकों ने किया गया विरोध प्रदर्शन। साथ ही आपको बता दें कि कार्ड धारकों के द्वारा सड़क भी की गई जाम। पाकड़ू में इन दिनों डीलर द्वारा गरीबों का अनाज की हकमारी की शिकायत लगातार प्रकाश में आ रही है। जो रविवार को लिट्टीपाड़ा में नवाडीह के पास लिट्टीपाड़ा दुमका मुख्य सड़क को आक्रोशित कारधारकों ने सड़क को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार नवाडीह पंचायत के धोपहाड़ी व गोहंडा गांव के सैकड़ों लाभुकों ने 2 माह से अनाज नहीं मिलने को लेकर डीलर के विरोध सड़क जाम कर दिया। लाभुकों ने बताया कि जनवरी व फरवरी माह का राशन डीलर सुनील हांसदा के द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही बताया कि डीलर के पास बार बार जाने के बाद भी डीलर द्वारा राशन ना देकर लोचा देता था। डीलर द्वारा बताया जाता है कि चावल नहीं आया है, इस कारण नहीं दे रहे। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के नवाडी गांव में 2 महीना से डीलर के द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से ग्रामीणों के द्वारा रोड जाम कर दिया गया था, लेकिन यहाँ एमओ आए और साथ में हम लोग क्या साथ में आश्वासन दिया गया है एमओ के द्वारा कि 4 दिनों के अंदर इनको राशन दे दिया जाएगा। सर वो कुछ लाभों का राशन नहीं मिला है जनवरी और फरवरी का। तो सर क्यों नहीं मिला है सर? उसका कट गया था फरवरी में, कटा हुआ था, मेहनत करके उसको देना है किसी। तो ग्रामीणों का कहना है सर आपके पास कई बार शिकायत लेकर गया इसके बावजूद भी आया था, लेकिन आज देने का बात हुई थी उन लोग से, मौके पर नहीं आया था। तो सर अभी क्या कितना दिनों में सर बटाएंगे? हम तो 2-4 दिन समय मांग रहे थे। अच्छा तो सर कहाँ से जमीन बेच के दें, कहीं से करें? तो सर अभी क्या डीलर पर सर कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी।